अलैक एंड वी आर डिस्कसिंग एनिमेशंस इंफोग्राफिक्स कंटेंट अब एनिमेशन क्या होती है एनिमेशन जो है वो कोई भी कंप्यूटर से बनी हुई कंप्यूटर जेनरेटेड जो एक एक्शन होता है कार्टून की तरह या वैसे ही बड़े मुख्तु किस्म की अब एनिमेशन आती चली जा रही हैं बट वो ये कंप्यूटर जेनेट कंप्यूटर के ज़रिए जो बनी हुई इमेज़ मूविंग भी हो सकती हैं नॉन मूविंग भी हो सकती हैं इसको हम एनिमेशंस कहते हैं इसी तरह इंफोग्राफिक्स इंफोग्राफिक्स एक बड़ी नई सी टर्म है और एक नई चीज़ है मगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती चली जा रही है इंफोग्राफिक्स बेसिकली एक ऐसा ग्राफिक है अगेन ये वीडियो फॉर्मेट या एनिमेटेड भी हो सकता है और ये स्टैटिक भी हो सकता है तो ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एक विजुअल तरीके से बजाय इसके हम आ, लफ्ज़ों में बताएं कि जी इतने फ़ीसद लोगों ने फ़ायदा उठाया किसी एक गवर्नमेंट स्कीम के साथ या इतने सारे हमारे पास यूथ है इतने से जो डिफ़रेंट डेटा होता है या जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है ख़ास तौर पर जो डेटा है वो हम विजुअली दिखाते हैं बजाय इसके कि हम नंबर्स में दिखाएं और जब हम विजुअली उसको दिखाते हैं तो उसकी समझ हमें बेहतर आती है उसको हम इन्फ़ोग्राफिक्स कहते हैं मुख्तफ़ किस्म के इन्फोग्राफिक्स और एनिमेशनस हैं आपके पास जैसे कि मैंने कहा वो वीडियो फॉर्मेट में भी हो सकती हैं स्टैटिक भी हो सकती हैं ज़्यादातर जो है वो वीडियो फॉर्मेट में होती है तो आपके पास एक्सप्लेनर वीडियोस होते हैं ये एनिमेटेड होते हैं उसमें आपने बहुत सारे ने देखा होगा कि वो एक आदमी होता है वो खड़ा होता है या वाइट बोर्ड एनिमेशन होती हैं जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ये ब्रांड क्या है या ये कॉन्सेप्ट क्या है ये इंफॉर्मेशन क्या है तो वो आपने देखा होगा और अभी हम आगे जाके आपको एक्साम्पल भी दिखाएंगे तो वो एक्सप्लेनर वीडियोस होते हैं जिसमें कोई चीज़ एक्सप्लेन की जा रही हो या जिसके बारे में बताया जा रहा हो आपके पास प्रोडक्ट मार्केटिंग के भी होते हैं जिसमें मार्केट किया जा रहा होता है किसी का इश्तहार दिया जा रहा होता है वो भी एनिमेटेड तरीके से हो सकता है कि जी एक एनिमेटेड सेब है उस सेब का जूस निकल रहा है और वो जूस जो है ग्लास में डलता है और आप कहते हैं कि जी ये एप्पल जूस है आप पिया करें इसी तरह यू आई एनिमेशन होती हैं आईकॉन्स होते हैं यानी कि आपने देखा होगा कि जी घर का एक आईकॉन जो है वो एक घर की तरह ब्लैक शेप में बना हुआ होता है लोगोज़ होते हैं कंपनी के इतने सारे फेमस लोगोज हैं कोको कोला -को -को का पेप्सी का पाकिस्तान में अगर आप ले लें तो प्रेमा वालों का लोगो है हमें पता है रू अफज़ा का एक लोगो है जो हम दूर से पहचान लेते हैं तो ये सारे लोगोज़ हैं जो कि आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन uh, करते हैं ये भी एनिमेटेड भी हो सकते हैं ये uh, पूरी मूवमेंट के साथ भी एनिमेट हो सकते हैं या खाली स्टैटिक तरीके से भी हो सकते हैं शॉर्ट फिल्म्स हैं वो भी एनिमेशन के हमने देखी होंगी कार्टून फिल्म छोटी छोटी आपने देखी होंगी अब तो पूरी पूरी फिल्में एनिमेटेड आती हैं टाइटल्स यानी कि मूवी के, के शुरू में और आखिर में जो टाइटल्स बनते हैं ना उसमें भी एनिमेशन चाहिए होती है प्रेजेंटेशंस होती हैं ब्रॉडकास्ट ग्राफिक्स होते हैं गिफ्ट होते हैं अब ये सारे तो हो गए ना आपके एनिमेशन और इन्फ्रोग्राफिक्स अब इससे राइटिंग का क्या तालो असल में जिस तरह दुनिया जा रही है अब तो लग रहा है कि राइटर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी क्योंकि ये जो सारी हमने आ, टूल्स बताए हैं एनिमेशंस और इंफोग्राफिक्स के इन सब में राइटिंग चाहिए होती है दे ऑल आर टेक्स्ट बेस इसमें सब में कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई टेक्स्ट जो है वो मौजूद होता है और उस टेक्स्ट को लिखने के लिए आपको एक कॉपीराइटर, राइटर कॉन्टेंट राइटर या क्रिएटिव राइटर चाहिए होता है क्रिएटिव राइटर हमने शुरू से इस पूरे कोर्स में देखा है कि आपके पास एंटरटेनमेंट का भी है इंफॉर्मेशन का भी है बहुत मुख्तलिफ किस्म के कॉन्टेंट जो है वो आपके पास होते हैं मगर आपने उनको उस क्रिएटिविटी को या उस अपने लिखने के अंदाज़ को कैसे लिखना है और क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं वही हमने इस पूरे कोर्स uh, में बताने की कोशिश की है और एनिमेशन और इंफोग्राफिक्स एक और तरीका है ये बेसिकली जो विजुअल्स होते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करता है आपका टेक्स्ट जिस तरह पिछली दफ़ा वीडियो uh, में बताया था इसी तरह एनिमेशन और इन्फोग्राफिक्स के लिए भी है हम अगर अभी uh, कुछ सैम्पल्स दिखा देते तो आप ये देखेंगे कि एक गिफ्ट है आपने देखा होगा ये एक औरत है जो टाइपिंग करी है एनिमेटेड है पूरी ड्राइंग है और ये वीडियो में चलता चला जा रहा है ना दिस इज़ एन एनिमेशन अब इसको अब हमें पता नहीं है कि ये कर क्या रही है वॉट इज शी डूइंग तो इसके लिए एक टेक्स्ट या कॉन्टेंट जो है वो डालना हमें ज़रूरी होगा जस्ट सो दैट वी कैन एक्सप्लेन इट बट आई एम जस्ट शोइंग यू सैम्पल्स ऑफ द एनिमेशन दैट आर आउट दर जो मुख्तु किस्म की हो सकती हैं एक और देख लेते हैं इसकी आंखें इधर से उधर जा रही हैं उप्स एंड देन ही मेक्स अ फ़नी फेस सो दिस इज़ वन एक और अगर हम देखते हैं ये इन्फोग्राफिक का एग्ज़ाम्पल है वीडियो इन्फोग्राफिक है और ये इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें किक स्टार्टर के ऊपर कि जी किक स्टार्टर्स का क्या डेटा है उस पर कितने लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं कितना फ़ायदा उठा रहे हैं तो एज़ यू कैन सी एक uh, सारा डेटा है ये सारे नंबर्स हैं मगर विजुअली एक्सप्लन हुए हुए हैं तो इसको हम इन्फोग्राफिक्स कहते हैं नाउ लेट्स मूव टू ट्राइंग टू मेक वन फॉर आर अब हम एक साम्पल बनाने की कोशिश करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम खुद करना चाहें तो हमें कैसे करना पड़ेगा तो अब इसके लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जी एनिमेशन होगी क्या तो जैसे कि शुरू में हमने कहा कि हम एक सिंपल सी एनिमेशन करते हैं टेकिंग आउट Apple juice. ठीक है जी अब हमारे पास क्रूड सी ड्राइंग है मेरी बट फिर भी क्योंकि एनिमेशन के लिए हमें चाहिए होगी तो हम थोड़ी सी बना देते हैं ये एक सेब है और फिर इसको काटा गया है फिर इसको हम जूसर में डालते हैं यहाँ पे सेब जो है वो डाला जा रहा है और यहाँ से जूस बन रहा है आखिर में आपके पास ये जूस आ जाता है तो ये आपके पास एनिमेशन है अब इसके ऊपर हमने टेक्स्ट डालना है तो जो टेक्स्ट है वो हम क्या कहते हैं यहाँ पर कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक अवे आपने देखा होगा कि मैंने डॉक्टर uh, नहीं लिखा डॉक लिखा है बिकॉज आजकल जो स्लैंग चल रही है इट विल इंगेज द ऑडियंस मोर इफ इट इज़ अ लिटल मोर फन एंड कैजुअल इफ़ वी राइट इट लाइक दैट सो एन एपल डे कीप्स द डॉक अवे फिर कट इट अप टू अप तो अगेन हमने कहना यही था कि जी हम आप सेब को काट लें अब डायरेक्ट रखने की जगह हम थोड़ा सा क्रिएटिवली उसको लिखते हैं और कहते हैं कट इट अप टू जूस इट अप एंड फिर हम लिखेंगे जी स्क्वीज द लाइफ आउट ऑफ इट फिर यहाँ पे नाउ दैट वी हैव द जूस Nothing is stopping us from gulping it down. तो so, आपने देखा होगा कि स्क्रिप्ट uh, की तरह यहाँ पर भी हमने uh, जो विजुअल आ रहा है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने स्क्रिप्ट लिखा है सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू बेसिकली रईट द कॉन्टेंट फ एनिमेशन् वेल ये एक एनिमेशन के लिए थी बहुत जल्दी अगर हम चाहें तो आपने एग्ज़ाम्पल में भी देखा होगा इन्फोग्राफिक के लिए कि उसका भी जो टेक्स्ट है वो डेटा बेस्ड होता है तो उसमें हम अगर वेरी लेट मी वेरी क्विकली ऑल्सो गिव्यू एन एग्ज़ाम्पल ऑफ़ दैट इन्फोग्राफिक के लिए और हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं इंफॉमेशन यूथ पॉपुलेशन की पाकिस्तान में तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखा देते हैं और हम कहते हैं कि जी जो ये वाला पोर्शन है ये आपका यूथ है क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट सिक्सटी फोर परसेंट है ऑफ पाकिस्तानीज़ आर बिटवीन द एज ऑफ फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव एक्चुअली सो बाकी जो है वो ओल्डर रेंज में है तो अब हम यहाँ पर अगर लिखते हैं तो हम यहाँ कह देते हैं कि ऑलमोस्ट सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ यंग और बस इतना ही आपको टेक्स्ट लिखना है इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है तो इट हैज बी टू द पॉइंट गिविंग द इंफॉर्मेशन वेयर यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग द विजुअल विद योर टेक्स्ट। आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल। यू इन द नेक्स्ट सेशन सून